हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम 60 वाट एम्पलीफायर आउटपुट ट्रांसफार्मर का डाटा डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्राइमरी के बारे में बताएंगे। ये देखिए प्राइमरी, ये दोस्तों 17 नंबर वायर से वाइंड की जाएगी और इसके टर्न होंगे 17 17। और ये दोस्तों बाई फिलर होगी। बाई फिलर क्या होती है इसका मैंने वीडियो मेरे चैनल पे है तो आप देख सकते हैं। ये बाई फिलर वाइंडिंग होगी। अब सेकेंडरी पे आते हैं। तो सेकेंडरी के लिए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं, वो कॉमन होता है। उसके बाद में ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 16 ओम और ये दोस्तों 100 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब 4 ओम के लिए हम यहाँ लेंगे 40 बर्न टर्न, 8 ओम के लिए लेंगे 22 टर्न, 16 ओम के लिए लेंगे 22 टर्न और 100 वोल्ट के लिए लेंगे 255 टर्न। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम वायर देख लेते हैं। तो 4 ओम के लिए हम लेंगे 17 गेज का वायर। ठीक है दोस्तों, 4 ओम के लिए 17 गेज का वायर, 4 से 8 ओम के लिए 18 गेज का वायर और 8 ओम से लेके 16 ओम के लिए 19 गेज का वायर। ठीक है दोस्तों, और 16 ओम से लेके 100 वोल्ट तक 255 टर्न जो डालेंगे हम, 100 वोल्ट के लिए दोस्तों हम लेंगे 27 गेज का वायर। अब दोस्तों अगर यहाँ पर तीन तरह के वायर यानी 17 18 19 अगर दिक्कत आती है, आप चाहते हैं कि नहीं जी एक वायर से ही काम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वाइंडिंग को 18 नंबर से भी वाइंड कर सकते हैं और ऐसा कुछ तो नहीं है, दिक्कत नहीं है, 18 से भी आप वाइंड कर सकते हैं 18 नंबर से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम इसकी कोर साइज और बॉबिन साइज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कोर होगा 33 नंबर की कोर होगी और बॉबिन साइज जो होगा वो 33 नंबर और 1.25 इंच, 33 नंबर 1.25 इंच की बॉबिन लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोर 33 नंबर, बॉबिन 33 नंबर 1.25 इंच। ये दोस्तों मार्केट में बने हुए मिलते नहीं, तो ये हमें खुद ही वाइंड करने पड़ते हैं और जो स्टेबलाइजर वाले ट्रांसफार्मर वाइंड करते हैं उससे आप आसानी से इसको वाइंड करा सकते हैं, क्योंकि मशीन से वाइंड किया हुआ, क्योंकि इतने वायर हैं ये, हाथ से आप वाइंड करेंगे, खासतौर से वाई फिलर जो वाइंडिंग है ये हाथ से वाइंड करेंगे तो उतनी अच्छी वाइंड नहीं होगी। वैसे लोग कुछ कर भी लेते हैं और हो भी जाती है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये डाटा लेके जाएं और आप जो स्टेबलाइजर वाले जो होते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते हैं उनसे करवा लेंगे तो ये बहुत अच्छी वाइंडिंग हो जाएगी और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका एम्पलीफायर का मैंने एक सर्किट आपको बनाया था, कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया है 100 वाट का, ये वो सर्किट था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और ये इजी एम्पलीफायर है, तो इसमें चार ट्रांजिस्टर 30-55 यूज़ हुए हैं, तो आप 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करके इस सर्किट को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट है, तो इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही कम कंपोनेंट से ये सर्किट बन जाता है। आपको 30-55 लेने हैं, D313 3 ट्रांजिस्टर लेने हैं और देखिए इसमें 10K 330 ओम और 100K, ये 3 रेजिस्टेंस हैं क्वार्टर वाट में और 1 रेजिस्टेंस है 100 ओम 5 वाट।
बस केवल चार रेजिस्टेंस हैं दोस्तों, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। एक तीन कैपेसिटर लगे हुए, एक 1000 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट, एक ये देखते हैं हम 10 माइक्रोफेरेड का है और एक 1 माइक्रोफेरेड का। दोस्तों इसको 100 वोल्ट का यूज़ नहीं करना है और आपको लगता है मुझे केवल स्पीकर ही बजाने हैं, इसको आप यूज़ ना करें और ना ही इसको ट्रांसफार्मर में वाइंड करवाएं, और आपका पैसा भी बचेगा और ये तार भी बचेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे हॉर्न नहीं चलाने हैं तो इसको आप ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग ना डलवाएं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।